हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम है सत्येंद्र और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे 2020 और 2019 के महत्वपूर्ण पुरस्कार, और पुरस्कार भी केवल फिल्म इंडस्ट्री से यानी फिल्म यानी मूवी से रिलेटेड ही पुरस्कार इसमें होंगे, जिसमें ग्रैमी पुरस्कार, आपको ऑस्कर अवार्ड और साथ में बाफ्टा पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पे राष्ट्रीय पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार होंगे। केवल फिल्म पुरस्कार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, और आपका प्री में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से 100% लग ही जाएंगे। तो ठीक है, तो पहला है 52वां, एक तो नंबर वा याद रखना है, 92। ऑस्कर पुरस्कार 2020 सब बेस्ट फिल्म जो है वह मिली है पैरासाइट को, अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर मिला है जोकिन फिनिक्स जोकर मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस है रेने जेलवेगर जो जूडी मूवी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है बोंग जून हो जो पैरासाइट मूवी के लिए मिला है, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है वो है ब्रैड पिट। ठीक है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी शुरू के तीन ही हैं, फिल्म सबसे ज़्यादा मोस्ट तो यही है, अभिनेता और अभिनेत्री। ठीक है, नेक्स्ट है 73वां बाफ्टा ब्रिटिश पुरस्कार 2020। ठीक है, तो ये मिला है बेस्ट फिल्म जो मिली है इसमें वो है 1917, 1917 मूवी का नाम है। बेस्ट एक्टर है जोकिन फिनिक्स जोकर के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस है वो है रेने जेलवेगर जूडी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निदेशक है रैम मेंडेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड, ये भी फिल्म से रिलेटेड है और संगीत से। 62वां ग्रैमी पुरस्कार, तो एल्बम ऑफ द ईयर चुनी गई है वो है बिली इलिस को, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बिली इलिस को, और सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली इलिस को, ये आप लोगों को याद होना ही चाहिए, तीनों इसमें बिली इलिस ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 77 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020। तो बेस्ट फिल्म मिली है 1917 बाप्टा और गोल्डन दोनों में से 1917 है। अभिनेता वो है जोकिन फिनिक्स जोकर, रेने जेलवेगर जूडी। अब ये तीनों अवार्ड अभी तक आए हैं, तीनों में सेम ही रहे हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद है भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर हुआ था, एक तो गोवा में याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। और बेस्ट फिल्म मिली है स्वर्ण मयूर, यानी वो मिला है इसमें एक स्वर्ण मयूर दिया जाता है, वो है पार्टिकल, मूवी का नाम है पार्टिकल। अभिनेता जो है वो है सीयू जॉर्ग को मिला है, और बेस्ट अभिनेता उषा जाधव माइक हार्ट मूवी के लिए, ये मेरी गिल्ला मूवी है इनके लिए मिला है इसको। ठीक है, ये आप लोगों को कहते हैं सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए पुरस्कार मिला है फ्रांसीसी अभिनेत्री इजाबेल हार्पर्ट को, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड मिला है रजनीकांत को, ये आप लोगों को भी याद, ये भी अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020। तो सबसे पहले गुवाहाटी में हुआ है, असम में, ये याद रखना है। बेस्ट फिल्म चुनी गई है गली बॉय, अभिनेता रणबीर कपूर, अभिनेत्री आलिया भट्ट, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर। ठीक है, गली बॉय फिल्म को यहाँ पर 13 अवार्ड्स मिले हैं टोटल, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019। तो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट मूवी हेलो और गुजराती की है, और हिंदी फिल्म की बात करें अंधाधुन। इस वीडियो का सबसे वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये याद रखना है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और 66वां है, अंधाधुन को मिला है हिंदी फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ मूवी चुनी गई है हेलो के लिए। अभिनेता आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल वेरी वेरी मोस्ट है, और अभिनेत्री कृति सुरेश को, ये आप लोगों को याद रखना ही है, हालत में प्लीज इसे तो नोट कर लें अभी के अभी। नेक्स्ट है 20वां आईफा अवार्ड 2019। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो मिली है वो मिला है बेस्ट फिल्म के लिए राजी के लिए, ये आईफा अवार्ड है। अभिनेता यानी एक्टर है रणबीर, एक्ट्रेस है यानी हीरोइन है वो है आलिया भट्ट, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है भाई, तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए, आई होप सारे आप लोगों को पसंद आ गए होंगे, और फटाफट से आप इन्हें याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।